नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीपीगंज स्थित पीतेश्वर नाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। अंतर जनपदीय मलखम प्रतियोगिता का एडीजी दावा शेरपा ने किया शुभारंभ, कहा स्वस्थ मन और शरीर के लिए खेल जरूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रैताला ने आगामी चुनाव के मद्देनजर किया जप्ती समिति का गठन। गोरखपुर महानगर के शीतला मंदिर से निकाली गई भगवान शिव की भव्य बारात, देवी देवताओं के मनमोहक झांकियां बने आकर्षण के केंद्र। विश्वविद्यालय के छात्रों ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, जलाया पुतला। चोरी और लूट के सामानों के साथ 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भी शिवालयों में आस्थावानों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूरी पूजा अर्चना कर मांगी मनोकामना। 20 किलो चांदी के साथ 2 तस्कर चढ़े जीआरपी के हत्थे, सीओ रेलवे ने किया खुलासा। महानगर के राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के छत पर अचानक लगी आग, लोगों के सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय विविध प्रतियोगिता का हुआ समापन, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत सीएजी की शानदार जीत के साथ ही बीएसएनएल ने दबंग को 22 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित पीतेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव के लिंग पर जलाभिषेक किया। पीपीगंज के पीतेश्वर नाथ मंदिर सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। इस मंदिर पर कभी नेपाल के राजा द्वारा जल चढ़ाया जाता था और बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना किया।
वीडियो बना लिया महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज को पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। लगभग 1 घंटे तक चले रुद्राभिषेक के दौरान मंदिर के कई पुजारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पहुंचे गोरखपुर। हेलो, मुख्यमंत्री पहुंचे गोरखपुर। हाँ, बस 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 सुन लो, फट जोन की 3 दिवसीय अंतर जनपदीय मलखम प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जोन के अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीजी का स्वागत आयोजकों द्वारा पुष्प गुच्छ और बैच लगाकर किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता की शुभारंभ की घोषणा की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मलखम खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन सचिव एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, एएसपी चारू निगम सहित अन्य अधिकारी व जोन के सभी जनपदों के खिलाड़ी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि खेल हमारे स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। पुलिस के जवानों के साथ युवा वर्ग को भी खेल के प्रति समर्पित रहना चाहिए, एडीजी ने कहा। आयोजन सचिव एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, साथी अधिकारीगण, मेरे मीडिया के साथियों तथा इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे सभी
जनपदों के टीम को इस शुभकामना के साथ कि आप इस प्रतियोगिता में अपने अपने तरफ से सबसे अपना बेस्ट सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे और आगे जोनल टीम में अपने आप को सम्मिलित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अब घोषणा कर रहा हूं, मैं गोरखपुर जोन की 5वीं अंतर जनपदीय वार्षिक पुलिस मलखम प्रतियोगिता वर्ष 2018 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। इन्फॉर्मेशन, ये मलखम पहाड़ जवानों द्वारा ये पोजिशन जो अशोक की लड़ाक से भी गई थी जवानों द्वारा हमने के ऊपर अशोक की लड़ाक की रात अपने आप को प्रदर्शित करते हुए पुलिस जवान जवान जगह के अभाव में इस आकृति के सामान दिए जाते हैं, घरों में अपना क्लोज करके रख दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया पवन सिंह, पवन सिंह जी जी यूपी पुलिस में है। अच्छा फ्लावर फॉर्मेशन, ये फूल प्रकृति भी बनाती है, हम बच्चे और लोग भी कागजों पर बनाते हैं। जवानों द्वारा खंभों के ऊपर इस आकृति को अख्तियार करते हुए पुलिस के जवान बजरंग के रूप में बजरंग के रूप धारण किए हुए, जैसे बजरंग बली पर्वत को लेकर उड़ रहे थे उस तरीके से आकाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, आगे स्वागत करें मेरे बहुत भाई। आज यहाँ जोनल प्रतियोगिता मलखम का शुभारंभ आप देख रहे हैं। खेल हमारे स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, साथ में पुलिस विभाग में तो चुस्त दुरुस्त रहने के लिए खेल का महत्व इससे भी अधिक है जी। इस प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे टीमों ने में से एक टीम का हमने प्रदर्शन देखा है, बहुत ही उत्तम और अव्वल किस्म का प्रदर्शन रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि खेल के प्रति जागरूकता और विशेषकर मलखम जो एक हमारे अपना खेल है, जो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको जो जिस लेवल पे रिकग्निशन मिलना चाहिए मिला नहीं है, पर अब धीरे धीरे करके इसमें अन्य देशों में भी इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आप देख रहे हैं। तो मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ न केवल पुलिस में, आम जन में भी, हमारे युवा साथियों में भी खेल के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़े। सबको शुभकामनाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि निर्वाचन के दौरान उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल अथवा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नकदी आदि की जब्ती के विरोध, अपील व नकदी रिलीज करने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में जनपद स्तरीय समिति गठन किया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सदस्य, मुख्य कोषाधिकारी को सदस्य एवं संयोजक नामित किया गया है। ये समिति जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच कर निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अधीन निस्तारण के लिए कार्यवाही करेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री श्री सिद्ध पीठ शीतला माता मंदिर द्वारा बुधवार को भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। शोभा यात्रा में महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, भजन सम्राट नंदू मिश्रा, घनश्याम दास सर्राफ, अनुराग मझवर, मदन वर्मा, मोहन पटवा, मनोज वर्मा सहित भारी संख्या में लोग शामिल रहे। बारात से पूर्व उपस्थित लोगों ने भगवान शिव की आस्था और श्रद्धा के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव की ये बारात हिंदी बाजार स्थित शीतला मंदिर से निकलकर मदरसा चौक, साहबगंज, चौरैया गोला, बख्शीपुर चौराहा, नखास, रेती से घंटाघर होते हुए वापस शीतला मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। भगवान शिव के इस बारात में गायक कलाकार नंदू मिश्रा ने मनमोहक भक्ति भजनों की प्रस्तुति की, जिसका बारात में शामिल लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। शिव बारात में भगवान राधे कृष्ण, शंकर पार्वती और गणेश, लक्ष्मी सहित कई देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां भी निकाली गईं।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने वैलेंटाइन डे का विरोध पुतला का दहन के माध्यम से विश्वविद्यालय गेट पर किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति पर एक बदनुमा दाग बताया। पुतला दहन करने आए छात्रों का कहना था कि वैलेंटाइन डे कभी भी हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन लोग आधुनिकता के इस दौर में इसे अपना कर हमारी प्राचीन परंपरा की भ्रूण हत्या करने पर आमादा हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता विक्रमादित्य सिंह ने बताया। ये जो अंग्रेजी सभ्यताएं हैं, जो उनके कल्चर थे, जो तहत आया गया वैलेंटाइन रोज डे प्रपोज डे, इससे क्या ये युवा भटक रहे हैं। एक होता है कि व्यवहारता प्यार होता है, वो सारे युवाओं में होता है, लेकिन हम लोग प्यार का विरोध नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी कल्चर का विरोध कर रहे हैं, ये युवाओं को भरमाने जैसा है। कैंट तथा खोराबार थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूट के सामानों की बरामदगी की है। कैंट थाने पर घटना का खुलासा करते हुए SPCT विनय कुमार सिंह ने बताया कि CO कैंट व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चोरी तथा लूट की घटना के खुलासे में लगी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर किस्म के युवक किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने वरदायनी चौराहा मॉडल शॉप के पीछे से 5 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके निशानदेही पर लूट और चोरी की एक बाइक, 5 सोने की अंगूठी, 4 सोने का टॉप्स, 1 सोने की टॉप्स, 1 पाजेब बरामद हुआ। उसके बाद तलाशी में बदमाशों के पास से 315 बोर का 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, फाइबर की सूटकेस में ड्रिल मशीन, 2 सब्बल, हथौड़ी, पेचकश सहित अन्य चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी टोला पटवारी निवासी अरमान पुत्र वकील अहमद, सरफराज पुत्र समीउल्ला अंसारी, विक्की सहानी पुत्र रमाशंकर, कैंट थाना क्षेत्र के बुद्ध बिहारी निवासी मोनू गौड़ पुत्र सुनील गौड़ तथा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहनलालपुर निवासी इरफान पुत्र छोटन खान के रूप में हुई है।
एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। सीओ कैंट के मार्गदर्शन में थाना कैंट, थाना कुराबार और क्राइम ब्रांची संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये पेशेवर अभियुक्त हैं जो नकबजनी करने और लूट करने माहिर हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद कुल लगभग आधा दर्जन घटनाओं का सफल खुलासा हुआ है। इसमें कैंट से मोटरसाइकिल लूट और कुराबार थाना क्षेत्र में 5 हाउस ब्रेकिंग की वारदात है, जहाँ पर इनसे इनके द्वारा चोरी की गई थी और उसमें चोरी के सामान भी बरामद हुए। इनके सारे अच्छे आबादी इतिहास से अभियुक्त हो गए और ये कई बार जेल जा चुके हैं। सामान कहाँ बेचते थे, अपना चुराते थे, कुछ पता चला? सामान के पास ही बरामद हुआ सर। तो कोई फिर पहले इनसे पूछताछ की गई तो घर में जाके चोरी करते हैं। अभी फिलहाल जो सामान के पास ही बरामद हुआ है, बेचने की फिराक में थे, इनके पास ही सामान। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भी महानगर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। झारखंडी शिव मंदिर और हांसूपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और अपनी मनोकामना मांगी। राजकीय रेलवे पुलिस ने बुधवार को रेलवे स्टेशन से 2 तस्करों को गिरफ्तार करके उनके पास से 20 किलो चांदी बरामद की है। जीआरपी कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए सीओ जीआरपी श्री प्रकाश राय ने बताया कि शिवरात्रि के अवसर पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की चेकिंग जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा था, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यात्री हाल में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए थे। जब उनको रोककर पूछताछ की गई तो उनके बैग में से 4 चांदी की सिल्ली बरामद हुई, जिसका वे कोई भी कागज नहीं दिखा सके। जब उनकी वजन कराई गई तो कुल लगभग 20 किलो की पाई गई। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान बिहार प्रांत के छपरा जिला के थाना दाऊदपुर निवासी वीरेंद्र कुमार प्रसाद पुत्र स्वामी नाथ प्रसाद तथा रवि प्रकाश सोनी पुत्र कृष्ण कुमार सोनी के रूप में हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ जीआरपी ने बताया। सर पेपर छोड़ दीजिएगा, थोड़ा कैमरे भाई पीछे को समझ में आती है कि लोगों ने मेहनत किया। बैठ करेंगे मामला यह है कि दिनांक 14/18 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रेलवे स्टेशन के संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वस्तु की चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर जीआरपी गोरखपुर आनंद कुमार सिंह, निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, कांस्टेबल मिथिलेश सिंह, संजय सिंह द्वारा जब पश्चिमी हाल की चेकिंग की जा रही थी रेलवे स्टेशन की, तो 2 संदिग्ध व्यक्ति क्रमशः वीरेंद्र प्रसाद व रवि प्रकाश सोनी, जो अपने पास बाइक भी हुए थे, संदिग्ध अवस्था में चेक किया गया
नाम पता पूछा गया और बैग की तलाशी दी गई 30 किलोग्राम चांदी नाजायज ली इनके पास बरामद हुई, जिसके कोई प्रपत्र इनके पास नहीं थे और न ही ये प्रस्तुत करने को तैयार थे। इनका कहना था कि कोई व्यापारी गोरखपुर का आता और स्टेशन पर इनका सामान लेके चला था, पहले से बात हुई थी। ऐसी स्थिति में इनको 28/411 गिरफ्तार कर मुकदमा कायम किया गया है, विवेचना जारी है, समय से न्यायालय प्रस्तुत किया है। बुधवार को राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के छत पर अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही वहां के माहौल में जल्द ही अफरा तफरी मच गया। अचानक हुई इस घटना से वहां आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ लग गई। कुछ देर तक आग थू थू कर कर जलती रही, लेकिन स्थानीय लोगों के सूझबूझ से आग को जल्द ही काबू में कर लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, जिसमें किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय विविध प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के सभागार में ऑन द स्पॉट फेस मेकिंग, फोटोग्राफी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागी, फोटोग्राफी में 10 प्रतिभागी, फेस मेकिंग में 12 प्रतिभागी और रंगोली प्रतियोगिता में 7 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के अतिरिक्त डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विमलेश कुमार मिश्र, सचिव डॉक्टर आलोक कुमार गोयल, डॉक्टर केशव सिंह सहित कई प्रतिभागी छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे। Yeah.
रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मैच सीएजी और एनी रेलवे के बीच खेला गया। एनी रेलवे के कप्तान अमित सिंह ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएजी की टीम ने 40 ओवर में 6 विकेट खोकर 249 रन बनाए, जिसमें फराज ने 90 रन, अमित ठाकुर 41 और ब्रह्मा के 38 रनों की पारी खेली। 250 रन का पीछा करने उतरी एनी रेलवे की टीम 40 ओवर में 8 विकेट पर 245 रन ही बना सकी और सीएजी की टीम ने 5 रन से इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया। सीएजी की तरफ से रिजवान खान ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। रेलवे की तरफ से प्रवीण सिंह ने 77 और आशीष यादव ने 57 रन बनाए। इसी टूर्नामेंट के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पर हुए दूसरे मैच में दबंग एलसीटी और बीएसएनएल एलसीटी के बीच हुआ। बीएसएनएल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। बीएसएनएल की तरफ से अमित पाटिल ने 53 रन बनाए। 222 रन का पीछा करने उतरी दबंग की टीम 199 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और बीएसएनएल ने इस मैच को 22 रन से जीत लिया। बीएसएनएल की तरफ से नेगी को 4, मेहरा और बोहरी को 2-2 विकेट मिले। दबंग की तरफ से सीएम झा ने सर्वाधिक 62 रन की पारी खेली। चौतीस ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 192। अरे कुंदन से आओ क्या बात कर रहे हो? मेरे पे मामा है। हाँ हाँ शॉट यार। मेरे पास आ गया सब चले मेरे पास। अरे वो मूवी पागल है। इधर वो कई बार तो इधर देखो। नहीं कभी तो बैठ गया ना। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीपीगंज स्थित पीतेश्वर नाथ मंदिर में किया जलाभिषेक।
महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। अंतर जनपदीय मलखम प्रतियोगिता का एडीजी दावा शेरपा ने किया शुभारंभ, कहा स्वस्थ मन और शरीर के लिए खेल जरूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रैताला ने आगामी चुनाव के मद्देनजर किया जब्ती समिति का गठन। गोरखपुर महानगर के शीतला मंदिर से निकाली गई भगवान शिव की भव्य बारात, देवी देवताओं के मनमोहक झांकियां बने आकर्षण के केंद्र। विश्वविद्यालय के छात्रों ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, जलाया पुतला। चोरी और लूट के सामानों के साथ 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भी शिवालयों में आस्थावानों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूरी पूजा अर्चना कर मांगी मनोकामना। 20 किलो चांदी के साथ 2 तस्कर चढ़े जीआरपी के हत्थे, सीओ रेलवे ने किया खुलासा। महानगर के राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के छत पर अचानक लगी आग, लोगों के सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय विविध प्रतियोगिता का हुआ समापन, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत सीएजी की शानदार जीत के साथ ही बीएसएनएल ने दबंग को 22 रन से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।